हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है और ये पार्ट 4 में बिलोंग करता है। इसके पहले मैंने फंडामेंटल राइट के बारे में वीडियो बनाया, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में जानते हैं, ये होता क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए। एंड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन और बनता है कि ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, अब जानते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या। जैसे कि मैंने फंडामेंटल राइट बताया था, फंडामेंटल राइट जो होता है, जब स्टार्टिंग में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो भी लोग थे वो ऐसी चीज़ें डिसाइड की कि जो हमें तुरंत चाहिए थी, तो जो हमें तुरंत चाहिए थी यानी जो पीपल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी उस टाइम पर एक अच्छा स्टेट बनाने के लिए, उसको उन्होंने फंडामेंटल राइट बना दिया, यानी ये चीज़ें हमें चाहिए ही। और जो चीज़ें हमें उन्होंने ये सोचा कि जो चीज़ें हम जब हमारा स्टेट अच्छा बन जाएगा और उसको और बेटर बनाने के लिए ऐसी चीज़ें करनी होंगी, वो डाला गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ठीक है, यानी कि जो हमें उस टाइम तुरंत चाहिए था वो हमने फंडामेंटल राइट बना दिया, और जो हमें एक अच्छा स्टेट बनाने के लिए चाहिए होता है उसको किस में डाला है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ठीक है, अभी आगे मैंने एक आर्टिकल डिस्कस करूँगी, इसमें मैं बताऊँगी कि जो फंडामेंटल राइट होता है, यानी अगर फंडामेंटल राइट का कहीं भी वायलेशन होता है तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, हमें पता है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ ऐसा नहीं है। अगर कोई भी चीज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखी गई है और वो नहीं हो रही है तो उसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि हमें ये नहीं मिला या हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी एक वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए बनाया गया कि हाँ, एक अच्छा स्टेट बनाने के लिए हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, वो चीज़ बताया गया, यानी एक एडवाइस दी गई, हाँ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल राइट होता है वो मतलब मस्ट होता है, यानी वो चाहिए ही चाहिए जो भी कंट्री का सिटीजन होगा। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल। तो सोशलिस्टिक में क्या है, आर्टिकल 38 आता है, 39, 41, 42, 43, 47। गांधीयन में आता है सोशलिस्टिक में, जैसे कि वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए हर चीज़ें बताई गई हैं, गांधीयन की यानी कि जो गांधी जी की थ्योरी थी उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल बनाए गए हैं वो है 40, 43, 46, 47, 48। लिबरल के बारे में बताया गया है 44, 45, 48, 49, 50 और 51 में, जिसमें मतलब थोड़ी सी लिबर्टी दी जाए उस बारे में बताया गया। मैं आगे डिस्कस कर रही हूँ एक आर्टिकल। तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मैंने डिस्कस किया है फंडामेंटल राइट में। ठीक है, अब DPSP में आता है आर्टिकल 36 से। आर्टिकल 36 में वही स्टेट की मीनिंग दी गई है जो कि फंडामेंटल राइट में दिया गया, यानी पार्ट 3 में। तो 36 में यही है। आर्टिकल 37 के बारे में बात करें तो इट डिक्लेयर्स दैट द DPSP शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो फंडामेंटल राइट होता है उसको हम किसी भी कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि ये हमारा वायलेशन हुआ है, लेकिन हम DPSP को ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 38 के बारे में बात करें तो प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर थ्रू जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, जैसे कि इनइक्वालिटीज़ को कम करने के लिए आर्टिकल 38 में बताया गया है। ठीक है, तो अगर कहीं भी इनइक्वालिटी जैसे कि कम नहीं हो रही है तो हम इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ बताया गया कि हाँ, एक अच्छा स्टेट बनाने के लिए हमें जो भी इनइक्वालिटीज़ होती हैं इनकम स्टेटस या फैसिलिटीज़ में, उसको हमें कम करना होगा तभी एक अच्छा स्टेट बन पाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको कोर्ट में जाकर कह नहीं सकते कि हमारे साथ हम इनइक्वल हैं या फिर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमारा ये फंडामेंटल राइट नहीं है, हमें सिर्फ ये बताया गया है। आर्टिकल 39 के बारे में बात करते हैं, तो राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। हेल्थ के बारे में बताया गया, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, इसके बारे में बताया गया है। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। उसके बाद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड्स, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज।
ठीक है, एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो ये सारी चीज़ें बताई गई Article 39 में। Article 39 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बाद में ऐड किया गया था। तो Article 39 ये बताया गया प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ठीक है। उसके बाद Article 40 के बारे में बात करें जिसमें पंचायत के बारे में बताया गया है, ठीक है, विलेज पंचायत, तो इसके बारे में बताया गया Article 40 में। Article 41 के बारे में बात करें तो Article 41 में राइट टू वर्क के बारे में बताया गया, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस एंड इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड सिकनेस एंड डिसेबल सिक्योर सिटीजन। तो ऐसे राइट टू एजुकेशन था, तो राइट टू एजुकेशन हमारा क्या अभी फंडामेंटल राइट बन चुका है, ठीक है, जो कि बाद में ऐड किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जब हमारा जो हमारी जो कंट्री है वो थोड़ी सी डेवलप हो गई, तो जो भी DPSP के जो भी वेलफेयर के लिए जो भी बताया गया उस पर हम ऐड करते रहते हैं, किसमें, फंडामेंटल राइट में, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन था कहाँ पे, पहले DPSP में, यानी एक अच्छा स्टेट बनाने के लिए हमें एजुकेशन ज़रूरी होती है। तो उस टाइम हम इतने कैपेबल नहीं थे कि हम एजुकेशन को इस तरह फ्री कर सकें या सबके लिए एजुकेशन बना सकें। तो क्या किया गया बाद में, क्या हुआ जब हम उस लायक बने, तो हमने क्या किया, DPSP से वो पार्ट निकाल के हमने किसमें भी ऐड कर दिया, फंडामेंटल राइट में भी ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो यानी राइट टू एजुकेशन Article 41 में भी बताया गया है। Article 42 के बारे में बात करें तो मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि मैटरनिटी रिलीफ जो होता है वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो Article 42 में बताया गया है, ठीक है। Article 43 के बारे में बात करें, सिक्योर लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स, 43 में बताया गया है। Article 43 ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये ऐड किया गया है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, Article 43 भी में बताया गया, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। उसके बाद Article 44 के बारे में बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि Article 44 में क्या बताया गया या पूछा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। Article 45 के बारे में बात करें तो प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अनटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पहले कहाँ पे मेंशन था, पहले DPSP में था, लेकिन अब कहाँ पे हो गया, फंडामेंटल राइट बन गया है कि जो भी चिल्ड्रन होंगे उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी। 47 आर्टिकल 47 के बारे में बताया गया है कि रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो Article 47 बताया गया, Article 48 में बताया गया ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस, Article 48 में बताया गया है। 48A में बताया गया प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है 48A। 49 के बारे में बात करें तो प्रोटेक्शन मॉन्यूमेंट प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट, यानी मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताया गया कि हमें कैसे उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, कितना। आर्टिकल 50 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 50 कहता है सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, यानी कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है वो पीपल के लिए कुछ करना चाह रही है तो उसमें कोई भी जुडिशियरी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 50 में कहा गया है। आर्टिकल 51 में इंटरनेशनल पीस के बारे में बात की गई है, ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि इंटरनेशनल पीस या फिर आर्टिकल 51 में किसके बारे में बताया गया है, तो याद रखना है। तो ये था DPSP का आर्टिकल 51 तक, और जो भी अमेंडमेंट किए गए हैं वो मैं बता दे रही हूँ। 42nd अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, जिसमें ऐड हुए थे आर्टिकल 39, 39A, 43A, 48A। 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, जिसमें आर्टिकल 38 ऐड किया गया था। 86th अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, 45 आर्टिकल ऐड किया गया था, यानी आर्टिकल 45 ऐड किया गया था। 97th अमेंडमेंट हुआ था 2011 में, इसमें आर्टिकल 43B ऐड किया गया था, ठीक है। तो ये था DPSP के बारे में, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।